अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने कमिश्नर कार्यालय में आयोजित संभागीय बैठक में कृषि आदानों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में मार्कफेड के गोदामों एवं सहकारी समितियों के पास यूरिया तथा डीएपी का पर्याप्त भंडारण कराएं। किसानों की मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करें। धान की फसल में टॉप ड्रेसिंग के लिए आवश्यक यूरिया एवं रबी फसल की बोनी के लिए आवश्यक डीएपी खाद की तत्काल आपूर्ति कराएं। खाद की आपूर्ति के संबंध में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर तत्काल इसकी सूचना दें। रीवा तथा सिंगरौली जिले में एक सप्ताह के अंदर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति करें। कोयला परिवहन के कारण सिंगरौली जिले के बरगवा में खाद का रैक प्वाइंट बंद है। सिंगरौली जिले को रीवा में रैक लगाकर खाद की आपूर्ति कराएं। किसान को हर हाल में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि सतना जिले में वर्तमान में पर्याप्त खाद भंडारित है। रीवा जिले में 30,521 टन, सतना में 49,263 टन, सीधी में 10,066 टन तथा सिंगरौली में 15,483 टन खाद का वितरण किया जा चुका है। कृषि विभाग के अधिकारी खाद और बीज के नियमित रूप से नमूने लेकर उनकी जाँच कराएं। नमूने अमानक पाए जाने पर दुकानदार का लाइसेंस निरस्त करने के साथ साथ संबंधित कंपनी के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें। रीवा तथा सीधी में कम संख्या में नमूने लिए गए हैं। कमिश्नर ने कहा कि कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करें। संभाग के सभी जिलों में खरीफ की फसल में धान का क्षेत्रफल घटा है, उसकी तुलना में दलहन तथा मोटे अनाजों का क्षेत्र बढ़ा है। रबी फसल में भी गेहूं का रकबा घटाने तथा चना, मसूर, अलसी एवं सरसों का क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास करें। इन फसलों के उन्नत बीज किसानों को उपलब्ध कराएं। संभाग में कुल 1054 हेक्टेयर में रबी की फसल बोनी का लक्ष्य रखा गया है। इसके कम से कम 15% में गेहूं के अलावा अन्य फसलों के लिए किसान को प्रोत्साहित करें। बैठक में प्रभारी संयुक्त संचालक कृषि एनके नेताम ने बताया कि खाद की आपूर्ति की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। जिन वितरण केंद्रों में खाद की कमी है वहां आगामी 3 दिवसों में खाद उपलब्ध हो जाएगी। इसी सप्ताह रीवा और सतना के लिए रैक प्राप्त हो रही है। रीवा के रैक से सीधी और सिंगरौली को भी खाद की आपूर्ति की जाएगी। बैठक में कृषि उत्पादक आयुक्त की बैठक के एजेंडा बिंदुओं की तैयारी, मृदा परीक्षण कार्ड के वितरण तथा जैविक खेती के संबंध में भी निर्देश दिए गए। बैठक में उप संचालक सतीश निगम, उपायुक्त सहकारिता अशोक शुक्ला, प्रभारी अधिकारी विपणन संघ, सहायक संचालक प्रीति द्विवेदी, जिला महाप्रबंधक सहकारी बैंक ज्ञानेन्द्र पांडे तथा सभी जिलों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।